वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मेरा बैकग्राउंड वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि इस व्लॉग में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यूके में एक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। इस वीडियो में काफी कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि एक ट्रक का लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रक के ड्राइवर की आवरली पे कितनी होती है, महीने में कितने पैसे निकाल लेते हैं, अंदर का ट्रक का जो इंटीरियर रहता है वो हम आपको दिखाएंगे, एक लाइव ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हम आपको ट्रैवल करके भी दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअली वर्क करता है। इस व्लॉग को आप एंड तक देखना, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर देना, इन रिटर्न सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, बाकी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं व्लॉग। सो सबसे पहले हम हैं यहाँ पे यार्ड में, यहाँ पे सब ट्रक्स वगैरह आपको खड़े मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रांड हैं। देखो वो डैफ का ट्रक है, ये मर्सिडीज का हो गया, ये वॉल्वो का हो गया, एंड हम जो आज ट्रक में जाने वाले हैं वो रहने वाला ये स्केनिया का ट्रक। कहते हैं कि ये ट्रक सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, 14 फीट इसकी हाइट है। इंटीरियर वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब कर देना, मैं इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो धुआं निकल रहा है ये मेरे को अभी लगा कि मिसहैप हो रहा है, बट नहीं, अंदर हीटर भी है, काफी फैसिलिटीज दी हुई है, तो उसका धुआं निकल रहा है। तो ये मत समझना कि एक ड्राइवर की लाइफ यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली होती है। अंदर तो एक रूम बना हुआ है, एंड हम एक कार लेके आए हैं यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे एक ड्राइवर तो एक कार के एक बाइक भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे सिचुएशन रहती है, पर यहाँ पे देख ही लो आप। सो एक ट्रिप स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉग बुक फिलअप करनी पड़ती है। सो मेरे चाचा जी हैं जो कि एक ड्राइवर हैं, सो वो अभी वो काम कर रहे हैं, एंड टुडे राइट नाउ द टाइम इज 4:30, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हम शुरू कर रहे हैं। सो टुडे वी विल वर्किंग फॉर Amazon। हम जाने वाले हैं आज ब्रिस्टल, राइट नाउ वी आर इन वोल्वरहैम्पटन, बर्मिंघम के पास पड़ता है। सो गाइज इस फोन में आज का सारी डिटेल्स है कि कहाँ से अपने को जॉब लेनी है, कहाँ पे अनलोडिंग करनी है, कितने घंटे की जॉब रहने वाली है। सो राइट नाउ तो मैं आपको ऐप खोल के नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, तो मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूँ, टुडे वी विल बी गोइंग टू ब्रिस्टल। टोटल हमारी जॉब रहने वाली है अराउंड 300 माइल्स की, तो दैट इज अराउंड 450 किलोमीटर्स। सो आपको टाइम दिखा देते हैं, अभी 4:30 हो रहे हैं, एंड रात जब हम यहीं पे आके एंड करेंगे हमारी ट्रिप, तो तब भी मैं आपको टाइम दिखा दूंगा कि कितने घंटे हुए, एंड वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि पर आवरली पे कितनी है और एक ट्रिप में एक ड्राइवर को कितने पैसे बचते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि एक कार्ड पुश कर रहे थे मेरे चाचा जी, एक कार्ड है हमारे लिए तो, बट वो एक इट इज द हार्ट ऑफ द ट्रक, उसके बिना आप ट्रक नहीं चला सकते। Guys, I am not going to drive today. मैं तो सिर्फ बैठा हूँ थोड़ा सा विजुअल एक्सपीरियंस के लिए। All right. So we are about to start the trip. After 15 minutes of checks and all everything, logbook entries, we are going to start the trip. आज हम जाने वाले हैं, फिर से बोल देता हूँ, ब्रिस्टल 450 किलोमीटर टोटल। तो अभी चाचा जी मेरे बताएंगे कैसे एक्चुअली ये जो डैशबोर्ड है वो वर्क करता है। हमारे पास 4:20 आया, तो यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो गया है, हमारे पास अभी 4:20 का ड्राइविंग टाइम है, उसके बाद 45 मिनट ब्रेक लेनी पड़नी है। हाँ, जे वो ब्रेक नहीं कीती फिर की होगा, फिर अपनो रिफ्रेशमेंट आ जाती है कि
सारा कुछ यू नो कनेक्टेड है, उनको पता चल जाएगा अगर हम आप बताओ कि नहीं विकी हम ड्राइव कर लेते हैं, उनको नहीं पता चलेगा। नहीं एवरीथिंग उनको पता है, ट्रक चल रहा है। हाँ बाकी इस साइड आ जाता है ये वाली कैमरा वाली स्क्रीन हो गई, वैसे मिरर्स भी प्रोवाइडेड है आपको दिख रहा होगा दोनों साइड में मिरर्स है, एक्सटीरियर मिरर्स, एक साइड व्यू आ जाता है, एक फ्रंट व्यू है। यहाँ पे जो कैमरा आपको सामने दिख रहा है वो फ्रंट व्यू है एंड साइड व्यू एक है, एक लेफ्ट साइड का व्यू है। डैशबोर्ड में यहाँ पे हीटिंग ऑप्शंस है, लाइट के ऑप्शंस हैं, अगर आपको फैन चलाना है इस साइड फैन का ऑप्शन आ जाएगा, ये नाइट हीटर है अगर आपको रात को सोना है ना। ये हो गया सबसे इम्पोर्टेंट पार्किंग ब्रेक, ये तो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। वो आ जाते हैं एसी के वेंट्स, उधर कुछ इम्पोर्टेंट है ना, ये आ जाना अपने सस्पेंशन सिस्टम आ जाना, सस्पेंशन पिछले ट्राले का, तो इसको जो कहते हैं ये है हमारा हॉर्स एंड पीछे वाले को क्या कहते हैं ट्राला, ट्रेलर कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, आज जैसे अपने को लोड इसमें फिलअप करना है तो कभी कभी ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि सिर्फ आपको सामने वाला हॉर्स लेके जाना पड़ता है एंड बाकी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो वो स्विचेस तब काम आती हैं आपको जब खोलना है उतारना है ट्रेलर को, हाँ तब उसकी जरूरत पड़ती है। इस साइड में आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कम्बल आ गया है अगर ड्राइवर को सोना है रात को, रेस्ट करनी है तो कम्बल। इस साइड भी कुछ और डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो साइड सीट है यहाँ पे कुछ कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी नीचे के साइड में भी खुलता है ये वाला बॉक्स। सो इस साइड में ये जो आ जाती है ये हमारी फ्रिज है, ये हम अभी आपको खोल के नहीं दिखा सकते, एक्सेसिबल नहीं है ये अभी फिलहाल, ठंड का सीजन चल रहा है तो वो ऑफ रखी हुई है हमने। अभी जो मेन पार्ट है ये है बेड, एक बेड ये आता है और एक बेड ऊपर ये आ जाता है, दो बेड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसके साथ साथ कुछ चीजें रखने के लिए वो पॉकेट्स वगैरह। सो ड्राइवर जैसे रात को सो रहे हैं सो यहाँ पे एक्सेस करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सो वहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है कि वहाँ पे आप बैठ के आराम से हीट को बढ़ा कम कर सकते हो, वैसा साफ सफाई एवरीथिंग कुछ हो जाता है, गंदगी हो जाती है ट्रक में, वो वहाँ पे एयर प्रेशर का सिस्टम है। ऊपर में जो मिल जा रही है आपको ये वाली रूफ है वेंटिलेशन के लिए, ये लाइट्स आ जाती हैं साइड लेफ्ट साइड में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। यहाँ पे गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट है जो कि अभी है 14 फीट्स वो यहाँ पे लिखी रहती है, तो ये रूल के हिसाब से जो हाइट का आप पीछे कंटेनर लेके चल रहे हो ट्रेलर वो हाइट यहाँ पे आपको लोड करके चलना पड़ता है, क्योंकि अब जैसे सामने ब्रिज आ रहा है ना वो देखो, तो हर यहाँ इस ब्रिज में तो नहीं लिखा हुआ बट मोस्टली यहाँ पे सारे ब्रिजेस में हाइट लिखी रहती है, सो ड्राइवर को एक आइज के सामने यहाँ पे कंपेरिजन मिल जाता है कि हाँ मान लो इस ब्रिज की हाइट है 16 फीट्स तो मेरा से 14 फीट का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ही कैन पास ऑन इजीली, सो कोई रिस्क वाला फैक्टर नहीं रहता। ये सीट जो आप देख रहे हो ना काफी तगड़ा सस्पेंशन है। कभी बैक पेन वगैरह कितने साल से चला रहे हो चाचा जी? तुसी मैं 7 साल से चला रहे हैं, कभी बैक पेन की तकलीफ कभी नहीं आई? कभी नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीट, इतनी अच्छी सीट है। ये भी प्रेशराइज्ड है, इसका भी आप सेटल डाउन कर सकते हो, अभी आपको नहीं दिखा सकते बिकॉज वी आर ड्राइविंग, इसका आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कि कहाँ आपको होल्ड करना है स्टेयरिंग, ठीक है। ये हैंड रेस्ट आ गया और गियर्स आपको तो दिख ही नहीं रहे होंगे, गियर्स तो सिस्टम है ही नहीं, कितने गियर नहीं थे? 12 गियर हैं। तो जनरली हमारे इंडिया में पाकिस्तान में जो ट्रक्स रहते हैं यहाँ पे इतना बड़ा गियर बॉक्स रहता है, वो हीट इतनी निकालता है, जो ड्राइवर्स है ना उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, तो यहाँ पे वो सिस्टम ही उठा दिया उन्होंने। जो वाइपर वाली जगह है ना वो साइड जहाँ से हम इंडिकेटर्स देते हैं इन कार टू बी स्पेसिफिक, वहाँ पे गियर्स प्रोवाइड किए हैं और नीचे आपको सिर्फ एक एक्सलरेटर मिल जाएगा, एक ब्रेक मिल जाएगी, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस आंखें खुली रखनी है आगे देखना है, कोई गियर नहीं डालना, कोई क्लच नहीं दबाना। सो गाइज आपको इंटीरियर्स का सारा एक्सपीरियंस दे दिया है, सो अभी देयर इज नथिंग मच टू शो यू, बाहर तो सिर्फ यू नो ये वाली रोड आने वाली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर अराउंड 100 माइल्स, दैट इज अराउंड 150 किलोमीटर। सो टाइम अभी हो रहा है 5, आधा घंटा हो चुका है अपने को ट्रिप स्टार्ट किए हुए, हम हमारी लोकेशन में पहुंच रहे हैं एट 6:45 में हम पहुंच रहे हैं, वहां पे हम आपको शो करेंगे ड्राइवर को क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है, देयर इज मच मोर टू कम इन दिस वीडियो, मेक श्योर कि आप बने रहो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो यार, ये आपको फ्री में मिल रहा है ये कंटेंट, इन रिटर्न आई जस्ट वांट कि एक सब्सक्राइब कर दो एंड एक लाइक कर दो इस वीडियो। Alright guys, after 2 hours we are about to reach the Amazon warehouse, दिख रहा होगा आपको।
इस साइड में सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना सब वेयरहाउस हैं। अब जो आप अमेजोन में बैठ बैठ के ऑर्डर करते हो ना, क्या पता हमारे ट्रक के पीछे वही आपके ही ऑर्डर्स लोडेड रहे, एंड वी विल डिलीवर इट टू द अनदर वेयरहाउस इन सम टाउन और सिटी, फिर वहाँ से नेक्स्ट डे आपके घर में पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ हाउ अमेजोन वर्क्स। कितने ट्रक्स खड़े हैं यहाँ पे, सारे प्राइम 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 अमेजोन प्राइम अमेजोन प्राइम। वो है हमारी एंट्रेंस वहां पे, जो मैंने फोन आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वहां पे जाके आपको एक QR कोड स्कैन करवाना पड़ता है, तो सारी डिटेल्स इनको मिल जाती है कि क्या ट्रक है, कौन से बे नंबर पे जाना है, ईच एंड एवरीथिंग, हर इंफॉर्मेशन। अभी हमारे पास मेरे चाचा जी एक एक फॉर्म एक छोटी सी स्लिप लेकर आएंगे, उसके बाद वी विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ पे अपने को ट्रक पार्क करना है। ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद ये जो आपको बैरिकेड दिख रहा है ये खुल जाएगा एंड वी विल बी अलाउड टू एंटर। सो गाइस, दिस वाज द एग्जैक्ट फॉर्म जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। सो वी आर अलाउड टू पार्क अवर ट्रक ऑन बे नंबर 26 एंड वी हैव एंटर्ड। ये चल रहा है बे नंबर 16 17 18। बे नंबर 26। सो गाइस, अभी आती है द मोस्ट टफेस्ट जॉब एक ट्रक ड्राइवर की, इस ट्रेलर को बैक करके लगाना है। लुक एट द स्ट्रगल। दिख रहा है 25। पार्क कर दिया है हमारा ट्रक, अभी यहाँ पे होगी लोडिंग। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, अभी ट्रक अराउंड 30-35 मिनट्स तक फुल्ली लोड हो जाएगा एंड तब तक हमको वेट करने के लिए एक अच्छा हीटेड रूम दिलाया जाएगा। चलो आपको लेके चलते हैं ड्राइवर्स लॉन्ज में। इंटर फुटबॉल बॉल कहाँ पे है? अच्छा ये भी है। यस, हॉट चॉकलेट प्लीज। ये फ्री है बाय द वे। ओके, यहाँ पे सूप्स के ऑप्शंस भी हैं, टोमेटो सूप, लेमन टी, वहाँ पे नेस्कैफे गोल्ड कॉफ़ी, हॉट वाटर भी है। ओके, सो दिस इज़ पेड, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे टैप करके अपना कार्ड, सो यू कैन हैव योर चिप्स, ये आपको फ्री मिल जाएगी। आई विल एंजॉय माई हॉट चॉकलेट। चीयर्स। सो आफ्टर 45 मिनट्स हमारा ट्रक लोड हो चुका है, हम तो ड्राइवर्स लॉन्ज में सो ही गए थे, तो उनके आदमी ने आके अपने को उठा के फिर चाबियां दी हैं, कीज रख लेते हैं वो लोग बेसिकली, तो हम चाबी लेके ट्रक की अभी आए हैं, बस फाइनल चेक्स हो रहे हैं पीछे कुछ ट्रेलर में। अपने को ये शो करना है, नंबर वगैरह रहता है ट्रैकिंग का, इसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा, अच्छा ही जाके शो कर देंगे, उसके बाद वी विल लीव। We have reached the end point, यहाँ पे अनलोड होगा हमारा ट्रेलर एंड द नेम ऑफ द प्लेस इज मैनचेस्टर और ये अमेजोन का ही वेयरहाउस है ऑब्वियसली। हाँ, राइट नाउ द टाइम इज 11:30। वो देख लो, मिल गया कागज, आएंगे, हमको कहा जाएगा कि कौन से बे पे लगाना है, बे पे अपन लगा देंगे, हाफ एन आवर वेट करेंगे, वही सेम प्रोसीडियर है, कुछ डिफरेंट नहीं है सारे वेयर हाउसेस का। सो द टाइम राइट नाउ इज 5:37, सुबह के 6 बज चुके हैं। आपको याद है व्लॉग स्टार्ट जब किया था हमने तो इट वॉज अराउंड 4:30, सो हिसाब लगा लेना कितने टाइम की एक ट्रिप हुई है एक ट्रक ड्राइवर की। बाकी की बात हम करते हैं जाके सोएंगे घर पे नेक्स्ट डे उठ के, और यहाँ पे बस जैसे सुबह ट्रक निकाला था वैसे अभी पार्क कर रहे हैं। इस गाड़ी का हीटर मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि टेम्परेचर इज अराउंड -2। ऑलराइट गाइस, तो जैसे आपको पता है कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं बर्मिंघम गया था चाचा के पास स्पेशली ये व्लॉग बनाने, 2 दिन का प्लान था, इतना बिजी शेड्यूल था हमारा, 4 दिन हमने लगातार शिफ्ट लगाई है, जो मैंने वीडियो लास्ट रिकॉर्ड की उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि चाचा जी बैठ के सब कुछ समझा सकें।
सो उन्होंने रफली मेरे को बताया एंड हमने अभी ये भी प्लान किया है कि अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अभी जो उन्होंने रफली मेरे को बताया वो मैं बता देता हूँ आपको। क्लास टू और एक क्लास वन, ये दो टाइप के लाइसेंस होते हैं ट्रकिंग में। जो क्लास टू का लाइसेंस होता है उसकी पे अराउंड आपको मिल जाती है अगर आप नए ड्राइवर हो तो 14 to 15 pounds पर आवर। कंपनीज लाइक एग्रीगेट, डीपीडी वगैरह में आपको काम मिल जाता है। एंड अगर आप क्लास वन का लाइसेंस होल्ड कर रहे हो एंड आप बिगिनर हो तब भी सीन वैसे ही रहने वाला है, आपको 16 to 17 pounds मिलने वाले हैं। जॉब्स लाइक रॉयल मेल, यहाँ पे एक पार्सल कंपनी है, डीपीडी हो गई, यू नो काफी ज्यादा कंपनीज हैं, मेरे को अभी प्रॉपर नाम नहीं पता, वो आप मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना। कुछ आने वाली वीडियोस के बाद हम इंटरव्यू करेंगे चाचा जी के साथ, वो आपको और डिटेल में बताएंगे। सो जो क्लास वन ट्रक का जो लाइसेंस है उसमें अगर आप अच्छे खासे या दो तीन साल आपको हो गया ट्रक चलाते चलाते तब 20 to 22 pounds तक भी आप पर आवर के बना सकते हो। तो हमने एक दिन की शिफ्ट जो की है आप देख लो 4:30 बजे शुरू किया है, 6:30 बजे खत्म किया है। एंड इसमें और भी दो चीजें हैं जो मैं बोलना चाहूंगा कि एक होता है एम्प्लॉयड ड्राइवर और एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर। एम्प्लॉयड ड्राइवर जो होता है वो ये जो कंपनीज होगी, एग्रीगेट होगी, जो डीपीडी कंपनी होगी, रॉयल मेल होगी, इसके अंडर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको पे मिलती है, जो आपको टैक्स देना रहता है पर ईयर गवर्नमेंट को, वो कट के आता है आपका। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर हो तो आपको पे फुल मिलती है एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप बिगिनर हो तो कंपनीज में जाके आप काम कर सकते हो, तो उसमें आपकी सीवी भी स्ट्रांग होती है क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो ट्रांसपोर्टर्स रखते हैं आपको, तो उनको काफी ज्यादा हैवी सीवी चाहिए होती है एंड एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर कोई आपको रखेगा नहीं, आपको कंपनीज में ही जाना पड़ेगा, कम पे में काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो लाइसेंस कैसे बनवाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल में। 2-3 वीडियोज के बाद ही मैं फिर से जाऊंगा बर्मिंघम, अभी मेरे कॉलेजेस हैं, रिकॉर्ड कर देंगे वीडियोज एंड आई लेट यू नो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।